जब राजा जब ऋषि कण्व सोम तीर्थ से वापस लौटते हैं सोम तीर्थ से वापस लौटते हैं और यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तभी छंदोमयी वाणी से संस्कृत का आश्रय लेकर उनको ये अभिज्ञान होता है क्या अभिज्ञान हुआ कि दुष्यंत अहितम तेजो दधा नाम भूव जो दुष्यंत पृथ्वी पूरी संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण करने वाला है उस पराक्रमी दुष्यंत के तेज को धारण करने वाली आपकी पुत्री अवे ही तनियाम ब्रह्मातन अग्नि गर्भाशमी आपकी पुत्री शकुंतला जो है वो अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष की तरह जानिए अर्थात हे महर्षि आपकी पुत्री जो है उसने राजा दुष्यंत से गंधार्व विवाह किया है और वह उसी राजा दुष्यंत के पुत्र की मां बनने वाली है अर्थात शकुंतला गर्भवती है और इसी छंदोमयी वाणी से अशरीरम यानी बिना शरीर वाली छंदोमय वाणी से ऋषि कण्व को यज्ञशाला प्रविष्ट यज्ञशाला में प्रवेश करते ही इस बात का पता चल गया अर्थात जिस बात का डर था वही डर दूर हो गया सब सोच रहे थे पता लोग बताएंगे कैसे ऋषि कण्व को बताएंगे कैसे अनुसुया और प्रियमदा इसी बात को सोचकर दुखी थी परंतु ऋषि कण्व को किस से पता चला छोमयी वाणी यानी बिना शरीर वाली छंदोमयी वाणी से